इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ आज। इसमें मैं एक ऑफिशियल नाम देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर वली टीवी ऑनलाइन। जिस तरह हमने कुछ मेंबर्स को ऑलरेडी कहा था कि हम एक फ़ाइनल मीटिंग करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे और कुछ जो हमें इश्यूज़ है उनको हाईलाइट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक अपील भी करेंगे और आगे का लाए अमल जो है वो तय करेंगे। उसी के सिलसिले में आज मैंने कुछ टीम मेंबर्स को इनवाइट किया था, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सब आए हैं ऑलरेडी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे नेबर्स है इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उनसे हम बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी के दौर में। दिस इज़ 2021, टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें देखिए हर कंट्री जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी इकॉनमी को जो है वो स्टेबलाइज करे या ग्रो करे, लेकिन हम जो है इधर पाकिस्तान में उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, हम भी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम भी अपनी कंट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारी जो ई कॉमर्स मिनिस्ट्री है या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उनको शायद इन चीज़ों का पता नहीं है या वो इस पर काम नहीं करना चाहते। अलमिया ये है हमारे मुल्क का कि जब बाहर से कोई ट्रांजेक्शन्स आती है रिगार्डिंग फ्रीलांसर्स और गूगल वगैरह की जो ट्रांजेक्शन्स होती है, हमारे बैंक वाले समझ नहीं पाते कि ये ट्रांजेक्शन किधर से आई है या इसको कैसे प्रोसेस करना है। एट द एंड ऑफ द डे या तो वो रिजेक्ट हो जाती है या बाउंस हो जाती है, ठीक है। तो उनको अवेयर करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो एक कैंपेन चलाए और जो हमारे बैंक के जो स्टाफ है उनको थोड़ा अवेयर करे ताकि हमें जो मुश्किलात पेश आ रही है उसमें थोड़ी आसानी हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी रिसेंट सर्वे के मुताबिक 2025 तक 70% से ज़्यादा लोग जो है वो इंटरनेट का यूज़ करेंगे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ठीक है। तो जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है या अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन तो है, स्किल्स भी है, लेकिन उनका कोई रोज़गार नहीं है, हमारा जो मोटो है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि उन लोगों को हम टारगेट करें, उनको एजुकेट करें और उनको थोड़ा पॉलिश करके उनको ऐसे स्किल्स दी जाए जिनसे उनकी इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट हो। एक आदमी अगर महीने का 50 से 60 हज़ार भी अगर कमाएगा तो उसके घर का जो खर्च है वो जो है हैंडल कर सकता है। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए कि हम ऐसे इंस्टेंट स्किल्स प्रोवाइड करें जो हमारी आवाम है उनके लिए, ताकि उनका इंस्टेंट रोज़गार स्टार्ट हो सके। इस तरह नहीं कि जिस तरह जो हमारे एकेडमिक जो सिस्टम है या हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उनका ये सिस्टम है कि भाई वो हमें C++ तो सिखाते हैं, ऑफिस वगैरह सिखा लेते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, ना हम उसे कोई रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं, ना हम उसे कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, बस एक पीस ऑफ पेपर ही होता है जो हमारी डिग्री होती है। हर साल तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग डिग्रीज अर्न करते हैं और जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5% अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं क्रिएट करता, ना ही 5% ज़्यादा जॉब्स होती है। तो वो 95% लोग बेचारे क्या करेंगे जिनके पास डिग्री तो है, स्किल्स तो है, लेकिन नौकरी नहीं है। तो उनके लिए हमें कुछ करना है, हुकूमत को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, लेकिन एज इंडिविजुअल हम अपनी कैपेसिटी के अंदर इतना कर सकते हैं कि उनको अवेयर करें, उनको एजुकेट करें, उनको ऐसे स्किल्स दें जिससे उनकी अर्निंग इंस्टेंटली स्टार्ट हो और वो एक अच्छा हलाल रोज़गार जो है वो स्टार्ट कर सके। तो यही हमारा मिशन है। इसके लिए जो है पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्चुअल एकेडमी टाइप जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट लिया भी है, उसमें हम टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो थोड़े बहुत एजुकेटेड है या आईटी से वाबस्ता है, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें कुछ फैमिलीज़ ने जो है उसको ज्वाइन किया था, उसमें हमने उनको ट्रेन किया
और एक यूट्यूब का ही मतलब उनको हमने ट्रेनिंग दिया ताकि वो लोग अपना चैनल सेटअप कर सके और जो भी नीच है या टॉपिक है उनके ऊपर उन्होंने कैसे कंटेंट को क्रिएट करना है और फिर उसकी कैसी जो है मार्केटिंग करनी है, तो तकरीबन 10 से 15 डॉलर वो डेली की जो है अभी अर्न कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है, वो हमें दुआएं भी दे रहे हैं। उनका जो फीडबैक है वीडियो की शक्ल में वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इसी वीडियो में। लेकिन ये जो है शुरुआत है, हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी, हर एजुकेटेड बंदा, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, हम उसको एजुकेट करें और उसको अपने साथ आगे लेके जाए। इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ आज कि ये जो हमारी मूवमेंट है जिसको तकरीबन 4-5 महीने से हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हमने ली है, इसको मैं एक ऑफिशियल नाम देना चाहता हूँ आज से ही इंशाल्लाह। और हमने डिसाइड किया है पूरी टीम ने कि इसका जो नाम है वो होगा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट, PTM, ठीक है। और हम जो है अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके हर पाकिस्तानी तक अपनी आवाज़ पहुंचाए और उनको एजुकेट करें। और हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारी रहनुमाई करें और जितना उनसे हो सके हमें सपोर्ट करें। और बाकी जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारी टीम को ज्वाइन करें, हमारी टीम का हिस्सा बने और लेट अस ग्रो पाकिस्तान टुगेदर। थैंक यू सो मच। अभी मिस्टर बशीर खान जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं PTI को भी और जो पाकिस्तान पीस एसोसिएशन है उसको भी, वो कुछ दो अल्फाज कहेंगे आपके सामने, आप मुलाहिज़ा करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं एक एंटरप्रेन्योर विजन के साथ, अ मैन हु क्रिएट ए न्यू आइडिया। हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो रोज़गार है। हर बंदा आता है 2-3 दिन के बाद आता है कि हमें नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, फिर वो अनफॉर्चुनेटली रिश्वत भी देता है उसके लिए। तो एक बंदा जब रिश्वत देता है तो उससे पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो बंदे को चाहिए कि अगर बंदे में टैलेंट हो तो अपने घर में बैठकर वो ई कॉमर्स के ज़रिए अपना बिज़नेस कर सकता है और पर मंथ तकरीबन 30-40 हज़ार तकरीबन वो कमा सकता है। तो मैं ऐसी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करता हूं और अपने गवर्नमेंट PTI से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसको जल्द अज जल्द सॉल्व कीजिए विद इन लीगल फ्रेमवर्क। थैंक यू सो मच। और अगेन मैं फिर अप्रिशिएट करता हूं, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इससे कल्चर डाइवर्सिफिकेशन होगा, अमन होगा, अमन की तरफ लोग राग़िब होंगे, क्योंकि आजकल जो भी मसले मसाइल है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहे हैं। लोग गरीब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है रोज़ बरोज़, इसलिए लोग डाका करते हैं, बदअमनी की तरफ जाते हैं। तो इस तरह अगर एक्टिविटी हो हर घर में, अगर एक बंदा टिकटॉक यूज़ कर सकता है, अगर एक बंदा गेम PUBG खेल सकता है, अगर वो बिज़नेस की तरफ उसका सेटअप हो जाए तो वो अर्निंग भी करेगा और डिस्टर्ब भी नहीं होगा और इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा और इसकी इकॉनमी बूस्ट होगी। तो प्लीज़ काइंडली IT मिनिस्टर है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको जो है ना बूस्ट करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी इसके लिए आगे बढ़ूँगा। थैंक यू सो मच। दाफिस देखिए जी, देखिए हमारी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारी इकॉनमी। हर दूसरे बंदे को पता है कि हमारी इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो वी कैन प्ले आवर रोल टू स्टेबलाइज आवर इकॉनमी, वी कैन प्ले आवर रोल टू स्टेबलाइज आवर कंट्री ऑल्सो। तो हमें मौका दे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपने इकॉनमी के लिए कुछ करें, हम अपना रोल प्ले करें ताकि देखिए पाकिस्तान हमारा घर है, हम पाकिस्तान की जो है शहरी है। तो अगर इसको हम एक घर की तरह समझते हैं, हम अपने आप को उस घर का हिस्सा समझते हैं, तो घर के हर फर्द का जो फ़र्ज है वो यही है कि जब घर पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो अपना रोल प्ले करे, जितना हमसे हो सकता है हम अपना जो है रोल प्ले करें ताकि वो मुसीबत या उस परेशानी से हम छुटकारा हासिल करें। तो इसलिए जितने भी फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, जितने भी वेब डेवलपर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका एक ही मसला है कि हमें हुकूमत की सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार जादू की छड़ी घूम जाएगी और सारे कर्ज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि
तकरीबन 40-50% जो है वो हम जो है इकॉनमी को ग्रो करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और जितनी भी IMF की कर्ज़ वगैरह है वो हम जो है कोशिश कर सकते हैं कि वो कम हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग सिर्फ वो भी अगर हुकूमत लीगलाइज करे, अभी तक ना किसी को ये पता है कि ये लीगल है या इलीगल है। स्टेट बैंक की जो जजमेंट आती है वो ये कहती है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का हमने ये नहीं कहा कि ये इलीगल है, लेकिन आप अवॉइड करें। कि बीके गवर्नमेंट जो है वो दो जो है फार्म्स लगाती है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की, तो अभी हम खुद कंफ्यूज है एज अ नेशन, इस मुल्क की आवाम हम कंफ्यूज है कि यार ये चीज़ लीगल है या इलीगल है। आप काइंडली इसको ज़रा क्लियर करें कि ये लीगल है या इलीगल है, हमें जो है मौका दें कि हम लोगों को अवेयर करें कि क्रिप्टो करेंसी कैसे माइन होती है। इसके अलावा जो वेब डिवेलपमेंट है, वेब डिवेलपमेंट में देखिए आप जो भी छोटे से छोटा दुकानदार है, फार्मेसी वाला है या गारमेंट्स वाला है, कोई भी बिज़नेस हो, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, वो अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सकता है इंटरनेट पर थ्रू ई कॉमर्स। तो यार देखिए, अगर आप लोकली अपने बिजनेस को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई गारमेंट्स की दुकान है, आपसे कितने बायर्स जो है वो परचेस करेंगे डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर। अगर आप उसी बिज़नेस को इंटरनेट पर शिफ्ट करते हैं ई कॉमर्स, तो आप जो है इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को बहुत ही ग्रो कर सकते हैं। इस तरह जो हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, फ्रीलांसिंग को बहुत सी मुश्किलात का जो है आजकल सामना करना पड़ रहा है। एक तो है कि बहुत सी जगहों पर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, जिस तरह फाइवर है, फ्रीलांसर है, अलायंस है, ओडेस्क वगैरह है, उधर पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं किया जाता, ना ही हमारी करेंसी उधर लिस्ट है। तो इस तरह जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, जिस तरह बाइनेंस है, कैटेक्स है वगैरह वगैरह, उधर भी हमारी करेंसी जो कंट्री है या करेंसी है वो लिस्टेड नहीं है। इसके लिए हमें जो है थर्ड पार्टी एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, P2P एक्सचेंजेस का सहारा लेना पड़ता है, जो हमसे बड़े बड़े कमीशन्स भी लेते हैं, और हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, क्योंकि अगर हम हुकूमत को टैक्स पे करेंगे हमें भी खुशी होगी, हुकूमत को भी जो है थोड़ा फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम अपनी गवर्नमेंट को फ़ायदा दें, हम थर्ड पार्टी एजेंट्स को फ़ायदा दे रहे हैं। इसकी जो है सरासर जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर जाती है। अगर वो इस चीज़ को लीगलाइज़ करें, हमारे लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें, तो हम क्यों दूसरे लोगों को फ़ायदा देंगे। बाहर से जितनी भी फ्रीलांसर्स है या डेवलपर्स है या कंटेंट क्रिएटर्स है, वो जितनी भी डॉलर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो टैक्स हमें हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहिए था, ना कि थर्ड पार्टी एजेंट्स को। अगर हुकूमत इस पर सीरियसली एक्शन लेगी तो ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी लाजिम है स्टेबल होगी। तो हम मेरी फिर से एक अपील है कि आप काइंडली इसके बारे में सीरियसली सोचें। थैंक यू सो मच। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, हमारे कुछ दोस्त हैं फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स वगैरह, डेवलपर्स हैं, वो हमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है आंसर दे सकें।